हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक चौधरी और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएससी, आईएससी, आईसीएससी, इन सभी बोर्ड्स के लिए भी। तो लगातार आपको एग्रीकल्चर्स की क्लासेस कृष्णा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मिली रही है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की भी कुछ क्लासेस जो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, और पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उसके एमसीक्यूज लगातार ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो है वो इनमें से किन पर डिपेंड करती है, क्वेश्चन ये है। तो जैसा कि आपका पहला ऑप्शन है इट्स लेंथ, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो आर होता है वो इक्वल होता है रो एल बाय ए के, और जो यहाँ ये रो है यही है आपकी रजिस्टिविटी। रो इज रजिस्टिविटी। तो रो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? अगर मैं आर की बात करूं, रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे भी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी। तो रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, यहां आपको साफ नजर आ रहा है, एक तो लेंथ पे और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। और तीसरी जो चीज है वो है रेजिस्टिविटी, यानी कि जैसे ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी वैसे ही आर भी चेंज होगा। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो वो दो फैक्टर होते हैं जिन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। एक तो होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि मटेरियल कौन सा है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, इन चीजों पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। और दूसरा जो ये डिपेंड करती है वो होता है टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी इन दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर पे मटेरियल के और दूसरा टेम्परेचर पे। तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। थिकनेस, थिकनेस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, तो इस पे भी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। इसके बाद इट्स शेप, शेप पर ना तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता और ना ही रेजिस्टिविटी डिपेंड करती। इसके बाद है नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ द मटेरियल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला नेचर ऑफ द मटेरियल यानी कि कैसा मटेरियल है, और दूसरा आपका कौन सा होगा, टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया है नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ द मटेरियल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। यानी कि क्या किया गया, एक रेजिस्टेंस आर के, एक वायर था, एक कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस था आर, उसको क्या कर दिया गया, मेल्ट करके एक नया वायर बनाया गया जिसकी लेंथ जो थी वो एल बाय टू हो गई। यानी अगर हमने पूरा मैटर यूज किया है और हमने क्या कर दिया है, उसकी जो लेंथ है उसको हाफ कर दिया है, तो ऑटोमेटिक उसकी थिकनेस डबल हो जाएगी। जैसे पहले जो वायर था वो कुछ ऐसा था, अब यहाँ से इसको ब्रेक किया जाए और इस पार्ट को भी यहाँ ले आए, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अब ए की बजाय क्या हो जाएगा, टू ए। जैसे ही हम लोगों ने लेंथ को क्या किया, हाफ किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो लेंथ जैसे ही कम होगी वैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ता जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि जो आर था वो हमारा था रो एल बाय ए के इक्वल। इसके बाद क्या हो गया, ये जो लेंथ है इसको हाफ कर दिया गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, डबल हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आर डैश होगा, आर डैश वो इक्वल हो जाएगा किसके, रो एल बाय टू, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी बढ़ गया, ये किसके इक्वल हो गया, टू ए के इक्वल। तो जो आर डैश हमारा बना वो था रो एल अपॉन फोर ए। यहां से हमें साफ नजर आ रहा है कि रो एल बाय ए तो इक्वल है आर के, तो यहां इस रो एल बाय ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, आर डैश
इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसकी जगह मैंने पुट किया आर और अपॉन में फोर लिखा हुआ है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर बाय फोर के। तुम्हारा आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो आर बाय फोर के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड वुड बी रफली, यानी कि आपको क्या बताना है कि एक फिलामेंट से कितना करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर, और आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे इन 16 सेकंड। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो I होता है, करंट होता है, वो इक्वल होता है Q बाय T के। तो यहाँ से हमें सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ हमें I का तो पता है 1 एम्पियर है, इसके साथ साथ Q हमें फाइंड आउट करना है और T हमें पता है कितना है 16 सेकेंड। तो जो आपको Q मिला वो Q आ गया 16 कूलम्ब, ये 16 इस साइड जाएगा और Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितना, 16 कूलम्ब। अब आपको एक और फॉर्मूला भी पता है कि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, यहाँ पे N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, Q है आपका 16 और यहाँ से N हमें फाइंड आउट करना है और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो हमें वैल्यू पता चल गई किसकी, चार्ज की, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 होती है। इसके बाद हमें n फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। यहाँ 1.6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 10 और यहाँ पर अपॉन में है 10 रेज टू पावर माइनस 19। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 19, तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 19, जिसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 20। तो यहाँ से हमें आंसर मिला, आंसर नंबर ए 10 रेज टू पावर 20। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा, क्या लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा, यहाँ से हमने इसकी इससे क्या फाइंड आउट किया, Q की वैल्यू फाइंड आउट की, Q हमें मिला था 16 कूलम, बिकॉज I इज 1, T इज 16 सेकेंड, तो 1 इंटू 16 इज 16। यहाँ फिर हमने Q इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला पुट किया, जहाँ से Q 16 पुट किया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना था, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो कि था 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, और यहाँ से N हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि आपको मिला है 10 रेज टू पावर 20। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर वन एंड आर टू आर द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट्स ऑफ ए 400 वोट एंड ए 200 वोट लैम्प डिजाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज, देन आर वन इज इक्वल टू 2R2, आर टू इज इक्वल टू 2R1, आर टू इज इक्वल टू 4R1, या फिर आर वन इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से हमें दो पावर्स दी हुई है, पावर नंबर वन इज 400 वोट एंड पावर नंबर टू इज 200 वोट। तो P इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, P पी इज इक्वल टू होता है V स्क्वेयर बाय R, P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाय R, और यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है ऑन द सेम वोल्टेज, यानी कि जो V है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, जैसे ही पावर बढ़ेगा वैसे ही R क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यहाँ आपके पास दो पावर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ P1 और ये है P2। तो जो अगर P1 इज इक्वल टू 400 वोट है तो इसका जो रजिस्टेंस होगा, और P2 इज इक्वल टू अगर 200 वोट है
तो अगर यहाँ हम देखें कि पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी जहाँ का पावर बड़ा है वहाँ का रेजिस्टेंस कम है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैं कर लेता हूँ 2R, और इसको मैं लिख देता हूँ आर वाई, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के डबल है, 200 इंटू 2 इज इक्वल टू 400, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इससे अधिक होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो 2R इसको हम नाम दे देते हैं R2 का, जो R2 है वो है कितना 2R, और जो R1 है वो है इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो R2 है वो किसके इक्वल है, 2R1 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ अगर मैं R2 इज इक्वल टू क्या लिख दूँ, 2R, बिकॉज R1 इज R एंड R2 इज इक्वल टू 2R, तो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए सर्किट कंटेनिंग टू अनइक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, द करंट इज सेम इन बोथ द रजिस्टर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टू अनइक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, दो रजिस्टेंस है, जैसे रजिस्टर नंबर 1 एंड दैट इज रजिस्टर नंबर 2, इनको पैरेलल में जोड़ा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे इनको ऐड कर दिया गया। इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि द करंट इज सेम बोथ द रजिस्टर, अगर इन दोनों का रजिस्टेंस सेम होता तब तो हो सकता है इनमें करंट भी क्या रहता, सेम रहता, बट अब तो क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, अनइक्वल हैं, अगर अनइक्वल हैं तो दोनों में रजिस्टेंस करंट है वो सेम नहीं होगा, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन तो गलत हुआ। द करंट इज लार्जर इन द लार्जर रजिस्टेंस, ये भी गलत बात है, बिकॉज करंट को क्या करता है, अपोज करता है कौन, रेजिस्टेंस, तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द बोथ द रेजिस्टेंस, हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या रहेगा, जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, द वोल्टेज ड्रॉप इज लार्जर अक्रॉस द लार्जर रेजिस्टेंस, ये भी गलत हुआ, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में क्या रहता है, हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज, जैसे कि हमें पता है आर इज इक्वल टू होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन स्मॉलर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, तो अगर हम लोग जैसे ये लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, तो इससे कम होने का कोई चांस नहीं है, तो ये स्मॉलर तो नहीं रहेगा। लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर जैसे ये 10 ओम है और ये 2 ओम है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 12 ओम, तो ये क्या हुआ, जो लार्जेस्ट रेजिस्टर था उससे बड़ा ही हुआ, उससे छोटा तो नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। लार्जर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ये भी गलत है, ये बड़ा रहेगा किससे, जो कि लार्जेस्ट रेजिस्टर है उससे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए हाउस इज फिटेड विद 5 ट्यूब्स ईच ऑफ 40 वोट इफ ऑल द ट्यूब्स आर लाइटेड फॉर 20 आवर्स एंड इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट इज रुपीज 0.50 द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि पावर है 40 वोट और ऐसी कितनी ट्यूब्स लगी हैं, 5 ट्यूब्स, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 40 × 5 यानी कि 200 वोट। अच्छा, एक यूनिट का जो हमें चार्ज बताया गया है वो बताया गया है 0.50 रुपीज, वन यूनिट मींस क्या होता है, वन यूनिट मींस होता है 1 kWh, जिसका हमें प्राइस बताया गया है 0.50 रुपीज। और अब हमें यह भी बोला गया है कि इनको कितने टाइम के लिए लाइटेड किया गया, जलाया गया, टाइम दिया गया 20 आवर्स का, तो हम एनर्जी कंज्यूम्स निकाल लेंगे, जो पावर होती है वो क्या होती है, सॉरी जो एनर्जी होती है, जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या है,
energy is equal to power into time. Energy is equal to power into time. पावर आपको पता है कितनी हुई टोटल 200 इंटू में टाइम कितना है 20 हार्स, तो ये हमारे पास निकल के आई 4000 वोट हार. और हमें क्या पता है कि जो यूनिट होती है वो तो क्या होती है के डब्ल्यू एच, किलो वाट हार. तो इसको किलो वाट हार में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से. यहाँ से ये जीरोज आपस में कैंसिल हो गई, यानी कि हमारे पास जो यूनिट निकल के आई टोटल वो बन गई 4 KWH. और अब एक यूनिट का प्राइस हमें बताया हुआ है कितना रुपीज 0.50, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से, तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 4 × 0.50 यानी 2.0, यानी कि 2 रुपये हमारा जो होगा कॉस्ट आएगी अगर हम इनको 20 घंटे तक जलाएंगे. तो 2 रुपीज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, of the two bulbs in a house, one glows brighter than the other, which of two has a larger resistance? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड लिए हैं, एनसीईआरटी से उठाए क्वेश्चंस हैं. और जहां तक हम लोग देख रहे हैं किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी के पोर्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है या एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टोटली डिपेंड्स अपॉन एनसीईआरटी. तो यहाँ अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ऑफ द टू बल्ब इन ए हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, विच ऑफ द टू हैज लार्जर रेजिस्टेंस. यानी एक बल्ब दूसरे से ज्यादा ब्राइटर जल रहा है, ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, तो इनमें से किसका रेजिस्टेंस अधिक है? द डिम बल्ब जो कम जल रहा है उसका रेजिस्टेंस अधिक है, द ब्राइटर बल्ब जो ज्यादा जल रहा है या ज्यादा ब्राइटर जल रहा है उसका रेजिस्टेंस अधिक है, इसके बाद बोथ हैव द सेम रेजिस्टेंस या बिकम्स फोर टाइम. ये तो मतलब कि बिकम्स फोर टाइम कोई सेंस नहीं दे रहा है इस क्वेश्चन में. तो द डिम बल्ब पहला ऑप्शन, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जिसका अधिक होगा उसमें करंट कम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट का. और अगर किसी बल्ब में करंट के अमाउंट कम आएगी तो उसमें ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और अगर ब्राइटनेस कम होगी तो वो क्या होगा, डिम बल्ब होगा. ए इज द राइट आंसर. ब्राइटर बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बल्ब ब्राइटर जल रहा है, ज़्यादा ब्राइटनेस जिसके अंदर है, उसमें क्या हो रहा है, करंट के अमाउंट अधिक है. और अगर करंट के अमाउंट अधिक है तो ऑफकोर्स उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, You are given a resistance wire of length 50 cm and have a battery of negligible resistance. In which of the following cases is the largest amount of heat generate? देखो आपको क्या बताया गया है कि resistance of wire of length 50 cm. ठीक है, आपको एक resistance दिया गया है जिसकी length कितनी है 50 cm है कंडक्टर की, एक बैटरी है जिसका नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस है, तो इनमें से किस केस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? When only half of the wire is connected to the battery, यानी कि अगर बैटरी से केवल हाफ वायर को ही कनेक्ट किया जाए, मीन्स कि जैसे 50 सेंटीमीटर लेंथ थी तो 25 सेंटीमीटर लेंथ ही क्या की जाए, कनेक्ट की जाए बैटरी से, तब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. When the wire is divided into 4 equal parts and all the 4 parts आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि हम लोग 50 सेंटीमीटर के जो वायर है उसके 4 पार्ट्स बना लें, उसके बाद उन सभी को पैरेलल में जोड़ दें और फिर बैटरी से कनेक्ट करें, तब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन द वायर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 equal parts एंड बोथ द पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लें किसको, वायर को, और उसके बाद हम लोग क्या करें, उनको पैरेलल में कनेक्ट करके फिर बैटरी से जोड़ें. When the wire is connected to the battery directly, या फिर हम बिना किसी चेंज के डायरेक्ट वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें क्या पता है, जो हीट होता है वो क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी के इक्वल होता है. अब देखिए पहला ऑप्शन, when only half of the wire is connected to the battery, इससे क्या होगा, करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी क्या प्रोड्यूस होगी, कम प्रोड्यूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन द वायर इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स एंड ऑल द फोर पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हम इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद पैरेलल में ऐड करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो कम होगा बट उससे करंट की अमाउंट बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ हमें रेजिस्टेंस अगर चेंज होता है उससे कम इफेक्ट पड़ता है हीट पे, बट अगर करंट चेंज होता है तो उससे अधिक इफेक्ट पड़ता है। देखिए एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वेयर है एंड एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी अगर आई में थोड़ा सा भी चेंज आया तो उसके स्क्वेयर टाइम हीट में चेंज आएगा। तो यहाँ हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो किस में रहना चाहिए, आई को बढ़ाने में, यानी करंट बढ़ाने में। करंट कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस किस ऑप्शन में सबसे कम है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जब उनको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करके क्या कर देंगे, पैरेलल में ऐड कर देंगे, तो उसके बाद रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट की अमाउंट बहुत अधिक बढ़ जाएगी और करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, हीट भी बढ़ेगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़े थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हैं, जितने अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है वही आपका बन जाता है कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या पता चला, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, यानी V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन Q। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, वर्क डन अपॉन करंट, वर्क डन इनटू चार्ज, वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट, वर्क डन इनटू चार्ज इनटू टाइम, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T। तो यहां पर Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I क्रॉस T। तो यहां हमें क्या पता चला कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q की जगह मैं क्या लिख दूं, I क्रॉस T, यानी कि करंट इनटू टाइम। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू V। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर वोल्टेज जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। अब चार्ज का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने चार्ज को किस में कन्वर्ट कर लिया है, करंट के अंदर। Q इज इक्वल टू हमने लिख दिया आई क्रॉस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए has resistance R, another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section, यानी उसका हमसे क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है। तो सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L, लेंथ आपको गिवन है जिसको L, और आपको पता है उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हमें दिया गया ए। इसके बाद हैज ए रेजिस्टेंस आर, उसका रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम मटेरियल हैज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी सेम मटेरियल है तो रो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सबसे पहले आर लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। यहां आपके पास ए हमें फाइंड आउट करना है तो मैं क्या ए ही लिख लूं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाय आर। तो यहां पर जो लेंथ है पहले कंडक्टर की वो आपको क्या गिवन है, लेंथ है वो एल गिवन है, लेंथ इज एल। तो यहां पर हमने ए निकाल लिया, ये सबसे पहले ए है। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश निकालना है जैसे, तो ए डैश भी क्या होगा, रो एल बाय आर, रो एल बाय आर। अब एल चेंज हो गई है, एल कितना है 2L, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ए डैश इज इक्वल टू रो 2L अपॉन आर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ देखिए रो एल बाय आर,
रो एल बाय आर इज इक्वल टू क्या है ए, रो एल बाय आर इज इक्वल टू क्या है ए। यहां पर रो एल बाय आर को मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए पुट कर सकता हूं, रो एल बाय आर को मैं पुट कर सकता हूं ए। तो जैसे मैंने लिखा ए मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू रो एल बाय आर को मैंने लिख दिया ए, और यहां पर टू, तो ए डैश जो आया मेरा किसके इक्वल आया, टू ए के। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी कि जो ए डैश है वो किसके इक्वल है, टू ए के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए हीटर फिलामेंट। हीटर फिलामेंट के लिए जो इसेंशियल जरूरी रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी चीजें हैं। अब हीटर फिलामेंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जो कि होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है हाई रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और उससे हीट बढ़ जाएगी, बट क्या हो रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि लो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ही अधिक गर्म हुआ उसके बाद मेल्ट हो जाएगा, वायर टूट जाएगा। तो ऑप्शन गलत है, लो रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत होगा। अगर रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर आर कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो लो रेजिस्टिविटी भी हमारे पास अलाउ नहीं है, हाई रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट ये सही रहेगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि एच इज इक्वल टू क्या हुआ, आई स्क्वेयर आर टी हुआ। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगा, और अगर आर बढ़ गया तो हीट बढ़ेगी, और उसके साथ साथ अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो उसकी वजह से वायर जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और अधिक से अधिक हम लोग हीट प्रोड्यूस करवा पाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शंस आर इन द रेशियो 3:1, दे आर जॉइंड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो वायर हैं सेम मेटल के, यानी रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है यानी कि एल बी सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है 3:1 में, इनको किस में जोड़ा गया, सीरीज में, और द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम, यानी कि जो रेजिस्टेंस है थिकर वायर का वो क्या है, 10 ओम है। तो मैं आर निकाल लेता हूं पहले, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। यहां आपको क्या पता है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया गया है, रो तो दोनों की सेम है, लेंथ भी दोनों की सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशो दिया गया है 3:1। और यहां देखो, यहां लिखा है जो थिकर वायर है, थिकर वायर, थिकर वायर कौन सा होगा जिसका रेशो 3 में है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो रो एल की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 30 मिल गई, रो एल इज इक्वल टू 30। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जो आर डैश है, जो दूसरा कंडक्टर है, उसका भी मुझे रेजिस्टेंस निकाल लेना है, वो भी इक्वल होगा रो एल बाय ए के। अब मुझे ये पता है आर डैश इज इक्वल टू रो और एल तो दोनों में सेम था, ए डिफरेंट डिफरेंट थे, रो एल अपॉन ए वहां पर 3 लिया तो यहां कितना है 1। अब रो एल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 30 है, तो यहां पर पुट कर देंगे तो आर डैश इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 30 ओम। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इनको ज्वाइन किया गया है सीरीज में, ठीक है, इनको सीरीज में ज्वाइन किया गया है, तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस बताना है कॉम्बिनेशन का। तो एक तो 30 ओम अभी हमने फाइंड आउट किया प्लस में, दूसरा कितना है 10 ओम, टोटल आंसर इज 40 ओम। तो 40 ओम इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, यू आर गिवन 3 इक्वल रजिस्टर, द नंबर ऑफ रजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग देम इन सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग, यानी कि कितने टाइप से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको बताऊं तो पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि हम लोग क्या करें, तीनों को सीरीज में जोड़ दें।
दूसरा जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि दो पैरेलल में जुड़े और तीसरा किस में हो, सीरीज में हो। तीसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों ही हम लोग पैरेलल में जोड़ दें। फोर्थ क्या हो सकता है कि दो सीरीज में हो, दो क्या हो सीरीज में, दो रजिस्टर सीरीज में जोड़े जाएं और तीसरा रजिस्टर इनके क्या कर दिया जाए, पैरेलल कर दिया जाए। तो ये इतने केसेस बन सकते हैं, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसे 4 केसेस हो सकते हैं जिनसे हम लोग 3 रजिस्टर्स को पैरेलल या सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द करंट आई थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, एज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड। अब पावर होती क्या है, पहले पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब वी का तो कोई यहाँ पे, वी तो जब आई चेंज होगा वैसे वैसे वी चेंज हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, वी को चेंज कर लेते हैं। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो अगर मैं यहाँ आई आर पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वेयर आर। अब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कितना बढ़ाया गया, द करंट आई थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, क्वेश्चन ये है। अब 100% बढ़ाने का मतलब क्या है, देखिए आप, जैसे पहले ये 100 थी, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि पावर पहले क्या थी, 100। अब 100% बढ़ गई तो अब ये कितनी हो गई, 200। पहले पावर थी 100, 100% और इंक्रीमेंट, यानी जितनी ये है उतना ही और ऐड इसमें कर दो, वो कितनी हो जाती है, 200। या फिर मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम इसको लेट कर सकते हैं कि ये क्या है, पहले 1 थी और 100% बढ़ने का मतलब अब ये कितनी हो गई, 2। पहले अगर 1 थी तो अब ये बन गई हमारे पास 2। अब अगर हम इसका स्क्वेयर करें, देखिए पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो पहले तो जो पावर थी वो क्या आ रही थी, जैसे पावर इज इक्वल टू आई को मैं 1 पुट कर दूं, आई इंटू आई का 1 का स्क्वेयर 1 और इंटू में आर, आर के इक्वल आ रही थी। अब ये किसके इक्वल आएगी पावर, ये आएगी 4R के इक्वल। यानी कि चेंज कितना आया, पहले थी R और अब बन गई 4R, तो चेंज आ गया 4R माइनस R, यानी कि 3R का। तो कितनी बढ़ गई, कितनी इंक्रीज हो गई, पहले थी 1 और अब हो गई 3R, यानी चेंज आ गया 3R का, अब 4R हो गई। तो कितने इंक्रीमेंट कितनी हुई, 300% इंक्रीमेंट इज 300%। 1R पहले थी अब 4 हो रही है, तो इसका मतलब कितना इंक्रीमेंट आ गया, 3 का, यानी कि 1 के ऊपर 3 बढ़ जाना, कितना परसेंट बढ़ जाना है, 300% बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। रजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, पहले भी मैंने बोला था, एक किस किस, एक तो हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा जो डिपेंड करती है रजिस्टिविटी वो करती है किस पे, टेम्परेचर पे। अब ये बोल रहा है द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी अगर ये दो फैक्टर चेंज नहीं होते हैं, तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो पहला है द मटेरियल इज चेंज, तो ये तो गलत हो गया, अगर मटेरियल चेंज होगा तो रजिस्टिविटी डेफिनेटली चेंज होगी। द टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर चेंज होने से भी रजिस्टिविटी चेंज होती है। द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, शेप से ना रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता ना ही रेजिस्टिविटी पे, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये भी आपका ऑप्शन क्या रहेगा, गलत रहेगा, ये दोनों, इनमें से कोई एक भी चेंज हो जाए तो भी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 इनकंडेंसेंट बल्ब्स ए बी एंड सी ऑफ रेटिंग 40 वोट, 60 वोट एंड 100 वोट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल to an electric source, which of the following is likely to happen regarding their brightness? अब इनमें से brightness किसकी अधिक होगी या किस तरह की brightness होगी, उस पर हमसे question पूछा है। Option A में लिखा हुआ है, brightness of all the bulb will be same। अगर अलग अलग power के bulb हैं
तो उनकी ब्राइटनेस भी अलग अलग होगी। हम लोग अपने घरों में जिस तरह के जो बल्ब यूज़ करते हैं उनको अगर हम जितने अधिक पावर का बल्ब लेके आते हैं उसकी जो ब्राइटनेस है उतनी ही अधिक होती है। तो ये तो गलत हुआ। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम। बल्ब ए ये है, यहाँ पर ए की हमें बी और सी ये दिया हुआ है 40 वोट का, बी दिया हुआ है 60 वोट का और सी है 100 वोट। तो ए की मैक्सिमम कैसे होती है, हो सकती है मैक्सिमम ब्राइटनेस तो होगी सी की, तो ये भी गलत होता है ऑप्शन, ये भी गलत। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, बी की ब्राइटनेस ए से अधिक होगी। हाँ ये करेक्ट है क्योंकि बी की जो पावर है वो अधिक है ए से, तो जो बी की ब्राइटनेस है वो भी अधिक होगी किससे, ए से। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी बी लेस देन दैट ऑफ बी, सी की ब्राइटनेस बी से कम होगी, नहीं हो सकता सी की ब्राइटनेस बी से अधिक होगी क्योंकि इसकी पावर भी अधिक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम एंड 6 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी, द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकंड विल बी। तो आपके पास है दो रजिस्टर, आर वन है 2 ओम और आर टू है 4 ओम। आपके पास जो वी है वो है 6 वोल्ट और आपको फाइंड आउट करना है हीट, वो भी किस रेजिस्टेंस में, 4 ओम वाले रेजिस्टर में। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वेयर आर टी, तो हमें आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई कैसे फाइंड आउट होगा, वी इज इक्वल टू लिखेंगे आई आर, यहाँ पर वी हमें पता है तो वी इज इक्वल टू, वी इज 6, आई फाइंड आउट करना है और R कितना होगा, इक्विलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा गया या पैरेलल में, सीरीज में। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे R इज इक्वल टू 2+4 यानी कि 6 ओम, तो I इंटू में 6। यहाँ से I की वैल्यू आपको कितना मिलेगी, I मिलेगा आपको, जो I आएगा आपका वो होगा 6 तो यहाँ पर V भी कितना है, V आपका है 6 और यहाँ पर आपका जो I है वो भी कितना, R है वो भी कितना है 6, यानी 6 से 6 कैंसल इज अ 1 एम्पियर। जो आपको क्या मिला, I मिला वो था 1 एम्पियर। तो I अगर आपका 1 एम्पियर है तो इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं, I आपको मिल गया कितना, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो H इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, H इज इक्वल टू हमारे पास था I स्क्वेयर आर टी, H इज इक्वल टू I हो गया 1, I इज 1, R इज 4 और T इज 5। तो H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वेयर 1 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि आंसर इज 20 जूल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंसर इज 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, ए फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। 1 किलोवाट पावर है और V आपको दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट, और आपको फ्यूज बताना है कितने एम्पियर का यूज करना है। फ्यूज की जो पावर होनी चाहिए या फिर जो फ्यूज के जो करंट उससे कितना फ्लो कर जाना चाहिए, वो जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि क्या हो कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो, करंट एकदम से बढ़े, तो वो फ्यूज़ क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, ब्रेकडाउन उसका हो जाए और हमारे जो अप्लाइंसेस हैं वो बच जाए। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। 1 किलोवाट का मीन्स कितना हुआ, 1000 वोट, और यहाँ से अगर हम लोग आई निकालें तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, पावर जो होता है V इंटू आई होता है, तो I इज इक्वल टू पी अपॉन V होगा। तो ये हमारा जो I है वो बन जाएगा 1000 अपॉन 220,
अब देखिए अब ये क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, इसको कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हम लोग क्या ले लेंगे, 4 से बड़ा फ्यूज हम लोग यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन में है 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इज द राइट आंसर। मे भी आपको समझ आ गया होगा कि 220 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 4 एम्पियर, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा या फिर करंट यूज होगा। तो इससे थोड़ा सा बड़ा हमें क्या लेना पड़ेगा, फ्यूज यूज करना पड़ेगा, दैट इज द 5 एम्पियर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की यूनिट वैसे होती क्या है, SI यूनिट की बात करें वोट होती है, वोट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। अब हमारे पास ऑप्शंस में कौन कौन से हैं, एक तो वोल्ट एम्पियर है, एक है किलोवाट हार, किलोवाट हार तो एनर्जी की यूनिट होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वोट सेकंड ये भी एक एनर्जी की यूनिट है, पावर इंटू टाइम जब करेंगे, जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड मतलब वर्क डन इंटू टाइम, वर्क डन इंटू टाइम, लेकिन पावर तो क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हमारा सही रहेगा कौन सा, वोल्ट एम्पियर, क्यों, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, तो V यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वोल्ट, और I को लिखा जाए एम्पियर, तो आंसर इज वोल्ट एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे, कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, लगातार नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो अब आपका क्या काम है, आपको क्या कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसको लाइक करनी है वीडियो को, और शेयर करते रहना है। थैंक यू।